हैलो एंड वेलकम, स्वागत है तुहाड़ा सारयां दा इस प्रोग्राम दे विच जिसका नाम है कनैक्ट शीशा। मैं मनप्रीत रंधावा। प्रताप सिंह बाजवा विरोधी धिर दे नेता ते कांग्रेस लैजिस्लेटिव पार्टी उस दे नेता, उन्होंने बीते कल एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की और प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच बहुत खुलासे किए, खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और इन्ना ही नहीं उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ भी खुलासे किए। और उन्होंने ये सारी जी सूचना सी या इनफॉर्मेशन सी वो RTI बेसी जिन्हों असी राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट के अधीन लेने हैं। जो उन्होंने कहा कहिंदे अरविंद केजरीवाल तो हुण शहनशाह बन गए ने, शीश महल च रहिंदे ने, ते भगवंत मान नूं उन्होंने तुलना की भगवंत मान की महाराजा सतौज उन्हों का पिंड आ। जिहड़े व्यक्ति किसी दिन या किसी टाइम वैगनार चलते सी या पैरां च हवाई चप्पल पाते सी या एक मफलर लेंदे सी, अजकल उन्हां दी जिंदगी दा लाइफस्टाइल ही बदल गया। इस तमाम जानकारी या जो भी उन्होंने सूचनावां सांझियां कीतियां उस बारे गल करांगे। ते पीटी उषा ट्रैक एंड फील्ड दी क्वीन सी, राणी सी, जदों उन्होंने 1986 दे विच सियोल दे विच कोरिया दे विच 4 गोल्ड मैडल जितले सी एशियन गेम्स दे विच। पर हुण एक बारी उन्होंने सारयां नूं हैरान करता अपने बयान दे नाल। उन्होंने कहा जिहड़ियां रैसलर कुड़ियां इस टाइम धरने प्रदर्शन ते बैठिया ने दिल्ली दे विच जंतर मंतर ते, ओ अनुशासन भंग कर रही ने। ते की उन्हां नूं पता कि जिहड़े रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया दे प्रेजिडेंट ने या भारतीय जनता पार्टी दे MP ने ब्रिज भूषण शरण सिंह, कि वह किसी तरह का कोई भी अनुशासन भंग नहीं कर रहे? तो अज सुप्रीम कोर्ट का की फैसला आता, दिल्ली पुलिस नूं लैके की FIR होएगी या नहीं होएगी? अमित शाह भारत के गृह मंत्री ने, बहुत पावरफुल ने, खास तौर पर जे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो बाद किसी का ना आता तो अमित शाह का ही आता। पर उन्होंने खिलाफ कर्नाटक बेंगलौर दे विच एक कंप्लेंट दर्ज की गई है कि इन्हां ते FIR दर्ज करो, क्योंकि इन्होंने नफरती भाषण दिता। वो नफरती भाषण किहड़ा सी, किस तरह दी उन्होंने गल्लां कीतियां, इस बारे भी आपां गल करांगे। प्रताप बाजवा ने अरविंद केजरीवाल नूं छोटा मोदी कहा। कल्ला छोटा मोदी नहीं, कहिंदे वैसे इन्हां नूं मौका नहीं मिलिया, केवल दिल्ली या पंजाब तक सीमित आ। कोशिश तां इन्हां ने बहुत कीती सी, जे इन्हां नूं कितें केंद्र दे विच किसी तरह की सत्ता मिल जाती, ये तो मोदी नाल भी ज़्यादा खतरनाक है। ये गल प्रताप बाजवा ने कही। पार्टी की जिस आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है पंजाब दे विच, इन्हां दा जिहड़ा सुप्रीमो है ते जिहड़ा मुख्यमंत्री पंजाब दा, इन्हां दोनों बारे असी चंगी तरह तुहानू चानना मैं करना चाहांगा। जिन्हों आम तौर लोग छोटा मोदी कहिंदे ने, मेरा यह मानना है कि छोटा नहीं, ये वड्डा मोदी है। इको गल है कि इन्हू अजे मौका नहीं मिले, ये कोई एरिया छोटा है, ये देखो भी एरिया मोदी जिन्ना होंदा ते मोदी नू भी बुला दे। हुण तुसी देखो जिस तरह दी गल्लां दा उन्होंने खुलासा किया, वो अपने आप दे विच हैरान करन वालियां ने। कहिंदे भगवंत मान कोल इस टाइम 8 लैंड क्रूजरस ने और एक गड्डी दी कीमत 2.5 करोड़ रुपया, और दो गड्डियां इहदे विच 2.5-2.5 करोड़ वालियां अरविंद केजरीवाल कोल आ। जिहड़ा व्यक्ति केवल वैगनार ते चलदा सी या किसे टाइम मैट्रो रेल ते चढ़ के गया सी कि मैं तो चलो आ गया, मैनूं तो कोई लोड़ ही नहीं इन चीज़ां दी, उहदे कोल दो लैंड क्रूजरस ने। जिहड़ी गल बहुत सारे अपने जर्नलिस्ट नूं ते पंजाब दे लोकां नूं नहीं पता, CM पंजाब दे कोल 8 वड्डियां लैंड क्रूजर गड्डियां ने, 2.5 करोड़ दी इक गड्डी, उहदे चो दो गड्डियां आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नूं घलियां ने, और एक लैंड क्रूजर पंजाब दे राज्यसभा दे MP ने, मैंबर पार्लीमेंट राघव चड्ढा, उन्हां नूं दित्ती हुई है, ते 5 अपने कोल रख रखी आ, और एक अपनी पत्नी गुरप्रीत कौर नूं भी दे रखी आ। ये प्रताप सिंह बाजवा ने खुलासे कीते आ। हुण तुसीं देखो कल्ला गड्डियां तक ये सारा कुछ सीमित नहीं आ। उन्होंने कहा, आपां पहलां भी गल कीती सी कि सुरक्षा दे मामले दे विच अरविंद केजरीवाल वाहिद एक इस तरह दे मुख्यमंत्री ने पूरे भारत दे विच जिन्हां कोले डबल सिक्योरिटी है, दो जेड प्लस सिक्योरिटीज ने। एक कल्ला चीफ मिनिस्टर है सारे देश दे विच जिन्हों ड्यूल सिक्योरिटी मिली, चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत दे विच, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत दे विच,
अरविंद केजरीवाल नूं एक यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड की और सारे सीएम्स नूं कीतियां जांदियां। जिद्दन दी साडी गवर्नमेंट आई है इन्हां ने दो लैंड क्रूजर जेड प्लस पंजाब वालों 80 पंजाब के कमांडोज 80 पंजाब के कमांडोज ब्लैक कमांडोज जिहड़े वो सारे पक्के तौर तैनात किए गए ने कपूरथला हाउस के। एक तो उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट ने यानी कि केंद्र की सरकार ने दिती हुई है, एक पंजाब सरकार ने उन्होंने मुहैया करवाई है और उस विच 80 ब्लैक कमांडोज उन्हों की प्रोटैक्शन कर रहे हैं। कपूरथला हाउस के तैनात ने और उत्थे वो रह रहे ने। हुण तुसी देखो ये सारा कुछ पंजाब के पैसे उत्ते ये सारी सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है, की लोड़ है इन्नी सुरक्षा मुहैया करवाउण दी। दूसरे पासे तुसी देखो राघव चड्ढा नूं भी 50 व्यक्ति ब्लैक कमांडोज वो जिहड़े आ वो सारे दित्ते होए ने। 50 आदमी जिहड़ा दिल्ली के सुप्रीमो ने उन्हों का जो जूनियर सुप्रीमो है राघव चड्ढा 50 उन्होंने दिते गए। एक लैंड क्रूजर गड्डी उसनू मुहैया करके दिती गई 2.5 करोड़ की वो है। 50 नंबर कोठी 1.25 एकड़ दे विच चंडीगढ़ विच प्रोवाइड करके दिती है। 50 ब्लैक कमांडोज राघव चड्ढे नू दिते गए। राघव चड्ढा नू किस चीज़ की लोड़ आ ये सारा कुछ। और इतों तक काम नहीं खत्म होंदा, 900 व्यक्ति तो खैर भगवंत मान दे उन्हां दी सुरक्षा कर रहा। जेड प्लस सिक्योरिटी किसी भी मुख्यमंत्री की तो होंदी है, ये तो एक प्रोटोकॉल आ। पर इस तो अलावा 50 व्यक्ति अपनी पत्नी गुरप्रीत नूं उन्हां दी प्रोटैक्शन करते हैं, 30 उन्हां दे माता की प्रोटैक्शन करते हैं, तो 30 व्यक्ति जिहड़े ने पुलिस दे कमांडोज उन्हां दी भैण दी भी सुरक्षा करते हैं। ये अपने आप दे विच 1100 व्यक्ति जिहड़े आ वो लाए हुए ने सुरक्षा दे विच। तुसीं तां कहिंदे सी सानूं सुरक्षा की लोड़ नहीं। और प्रताप बाजवा ने यह भी याद करवाया, कहिंदे यही भगवंत मान कहिंदे हुए कहिंदे सी कि जे किसी ने कोई पोल्ट्री फार्म खोलिया या छोटा मोटा काम किया तो उन्होंने तो किसी चीज़ का डर ही नहीं, तो तुसीं तां कोई वड्डा काम खोलिया नहीं, फिर तुहानूं इन्नी सुरक्षा की किवें लोड़ पै गई। ये उही भगवंत मान है जिहड़ा कहिंदा सी किसी सियासी आदमी नूं जे सिक्योरिटी चाहिए तुहानूं इन्ना डर लगता है फिर सियासत ना करो, कोई पोल्ट्री फार्म खोल लो। गल इत्थों तक सीमित नहीं है, 45 करोड़ की गल तो आ ही रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जिहड़ा शीश महल बना लिया, सिविल लाइनस अपना बंगला बना लिया और उसते इन्ने पैसे खर्चते। अज तक प्रताप बाजवा ने होर भी खुलासे किए, 1 करोड़ पर्दे जिहड़े 1 करोड़ के पर्दे ले आ और एक एक पीस 5 से 8 लाख रुपए का लिया, उसकी तो गल आप की हूँ पता लगा कि उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनाया होया की लोड़ सी और उसते भी करोड़ों रुपए लगे ने। जो मुढ़लियाँ खबर आ रही ने 6 करोड़ तो वध दा उस स्विमिंग पूल बनया। हैरान होंदी है, हैरानगी इस गल की होंदी है कि जिहड़ी गल नूं उह कहिंदे सी इह तां रेनोवेशन आ, इह तां उत्थे एक तरह का वाकया महल उसारिया जा रहा सी। हुण इस तों बाद आपां वियतनाम तो एक पत्थर आया सी डायर पर्ल का, बड़ा महंगा पत्थर आ, वियतनाम तो मंगवाया गया, 6 करोड़ 60 लाख तो उसकी कीमत दसी जाती है। और इस तों अलावा बाथरूम दियां फिटिंग्स, इस तों अलावा गलीचे कारपेट्स, ये सारिया चीज़ां उन्होंने लैके आंदियां कि ये रेनोवेशन का हिस्सा। तुसीं वैसे तो कहिंदे 1942 का घर बनया होया, इस करके साडी जिहड़ी छत सी वो 3 वारी डिग पई, तुहानू किने मना कीता सी उन्हूं ना बदलाओ। पर ये तो नहीं कहा कि नाल दी नाल तुसी गलीचे भी ले आओ, बाथरूम फिटिंग्स भी चेंज कर दो, अलमीराज तुसी 40-40 लाख रुपए दी, ये गल तो उन्होंने कही है। इस तो अलावा एक होर RTI दे विच उन्होंने इनफॉर्मेशन ली आ, वो भी सुन के तुहानू हैरानी होएगी। वो आ कि 33 गड्डियां प्रकाश सिंह बादल जिन्हां दा हुणे देहांत होया बीते मंगलवार नूं होया, वो इस दुनिया तो चले गए आ। जदों उन्हां दी सुरक्षा हुंदी सी किते जांदी सी ते उन्हां दे काफले दे विच 33 गड्डियां चलदियां सी 33, पर इस तों बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह आउंदे ने उन्हां दे काफले दे विच भी लगभग इन्नियां गड्डियां रहिंदियां, ते उस तों बाद चरणजीत सिंह चन्नी भी आउंदे ने उन्हां दे काफले विच लगभग इन्ना ही काफला रहा, पर भगवंत मान आउंदे ने ते 42 गड्डियां हो जांदियां ने। की कारण आ कि इन्हां दी सुरक्षा इन्नी वधा दित्ती गई? ते जिहड़े महाराजा सतौज ने साडे पंजाब वाले वह मैं तुहानू बकायदा तौर RTI पाई सी, RTI दे विच मैनू इनफॉर्मेशन आई सी कि जिहड़ा ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है
सुरगवासी सर प्रकाश सिंह बादल जी जिन्ना चिर चीफ मिनिस्टर रहे ने उन्हां नूं 33 गड्डियां प्रोवाइड कीतियां सी ट्रांसपोर्ट महकमे जिहड़ी उन्हां दे काफले चलदियां सी। सेम अमाउंट ऑफ गड्डियां कैप्टन अमरिंदर सिंह को रहियां, कोई एक दो गड्डियां वधियां चन्नी जी दी सरकार च, ते 42 गड्डियां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दियां कल्लियां इन्हां नाल चलदियां ने भगवंत मान, ते 67 गड्डियां पंजाब दी सिक्योरिटी दियां नाल चलदियां। इन्हां दे काफले च 122 गड्डियां इस महाराजा सतौज दे काफले विच चलदियां। इत्थों तक दस्या प्रताप सिंह बाजवा ने कि भगवंत मान नाल 42 गड्डियां चलदियां, इस तों इलावा 67 गड्डियां सिक्योरिटी दियां चलदियां, वक्रे वक्रे रूप दे विच चलदियां। जे टोटल तुसी करो तो लगभग 122 होर भी कई गड्डियां ने ये बन जांदियां ने, ये की कारण इन्नी सुरक्षा लैण दी और इन्हां नूं किस काम लई लाया जांदा? अच्छा, गल केवल इत्थे नहीं खत्म हुंदी, इत्थों तक कि तुसी देखो घर जिहड़े लै गए ने, 42 नंबर सैक्टर 2 दे विच घर आ, एक तां ये लै रख्या भगवंत मान ने, इस तरह 44 नंबर एक कैंप ऑफिस बनाया होया, ये भी चंडीगढ़ दे विच सैक्टर 2 दे विच आ, इस तरह 6 नंबर सैक्टर 2 दे विच इत्थे भी, और तुसी देखो इत्थे दिल्ली तो एक टीम आ जिहड़ी IT इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारा सोशल मीडिया वो इत्थे बिठाई हुई आ, कि इन्हां सारे घरां नूं पार्टी ऑफिस वल्लों चलाया जा रहा। 4 नंबर घर आ सैक्टर 7 दे विच, ये सुखबीर सिंह सुखी OSD ने, ऑफिसर ऑन स्पैशल ड्यूटी, भगवंत मान दे नाल अटैच ने, ये घर मंत्रियों वाला घर उन्हां नूं दे रख्या, की कारण आ? 50 नंबर घर आ जिहड़ा वह भी दे रख्या, उत्थे भी कैंप ऑफिस बना रख्या CM ने, यानी कि किन्ने कैंप ऑफिस तुहानूं चाहीदे ने, किन्ने घर तुहानूं चाहीदे ने। इस तों इलावा 39 सैक्टर चलदे आ, 39 सैक्टर दे विच भी मंत्रियों नूं कोठियां अलॉट हुंदियां ने, उत्थे 964 965 956 922 923 928 ये याद कर लो, तुसीं दोबारा वीडियो देख सकते हो। ये सारे दे सारे अलॉट किए हुए ने उन्हां व्यक्तियों नूं, अपने व्यक्तियों नूं जिहड़े कि मंत्री तक दा अहुदा रखदे नहीं, उन्हां कोले किसे तरह दा कैबिनेट स्टेटस ही नहीं है। हुण फॉर एग्जाम्पल 922 दे विच चेयरमैन ने रैरा दे, रैरा की है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी, ये जिहड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी आ, इहदे लई पहला तां जिहड़ा चेयरमैन आ उह वी दिल्ली तों लैके आंदा, अरविंद केजरीवाल दा, जिहदा नाम है सत्या गोयल, उन्हां दा ही खास। इसे तरह पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की चेयरपर्सन लगाई है एक सबका IAS, कोई गल नहीं तुसी लै लो, पर वह पंजाब कैडर दे तां है ही नहीं। सतबीर कौर बेदी की मैं गल कर रहा, 1986 बैच की IAS ऑफिसर आ, पर वो है AGMUT। तुसी कहोगे AGMUT की है? ये है अरुणाचल, गोवा, मिजोरम ते यूनियन टेरेटरीज, उन्हां दा कैडर आ। कि पंजाब कैडर दे विचों तुहानूं कोई व्यक्ति नहीं मिलिया जिन्हों तुसीं इस काबिल समझो कि उन्हां नूं इत्थे ला सको, इत्थे चेयरमैन ला सको बोर्ड दा, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दा, इन्हां नूं भी घर दिता होया। ये सारे दे सारे तुसीं देखो ये घर दिते, हालांकि ये बोर्ड कोले जे तुसीं विजिलेंस ब्यूरो दा दफ्तर देखो 68 सैक्टर दे विच, उहदे सामने भी इन्हां कोले एक रेजिडेंस आ, उह रेजिडेंस भी ये वरतदे आ। कि इन्ना ज़्यादा तुसीं खुल दे के इन्हां व्यक्ति नूं जिहड़े तुहाडे खास आ अपना स्टाफ बुला के, और जिन्ना स्टाफ दिल्ली तो आया हुआ इन्हों का वो सारे ते नज़र रखता, वो मिनिस्टर्स दियाँ फाइल्स ते नज़र रखता, की बोलते ने, की कहिंदे ने, मीडिया नूं की कहिंदे ने, हैरान करन वालियां गल्लां सामने आउंदियां ने। प्रताप सिंह बाजवा कहिंदे ने कि 7 जून 2013 दे विच जदों पहली बारी अरविंद केजरीवाल MLA बनते ने, तो उस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच जिहड़े वोटर्स ने उन्हां नूं वोट पाई सी, उन्हां नूं एक एफीडेविट देंदे ने, एक डैक्लरेशन देंदे ने, उहदे भी पॉइंट वो गिणा रहे सी, कारां नहीं लऊंगा, उस ते मैं रैड लाइट नहीं लवाऊंगा, उस तो बाद मैं सिक्योरिटी नहीं लऊंगा, उन्नी कि सिक्योरिटी लऊंगा जिन्नी कि दी मैनूं लोड होगी, कोई वड्डा बंगला नहीं लऊंगा, आम लोगों की जिंदगी जीऊंगा, और सब तो वड्डी एक होर गल कही सी, मैं किसी दूसरी पार्टी का कचरा अपनी पार्टी दे विच नहीं लैके आऊँगा। तो अजकल की हो रहा, इतों तक कि इस पार्टी जलंधर की 22 इलैक्शन दे विच अपना कैंडीडेट नहीं मिलिया, वो जाके कैंडीडेट तोड़ के लिया ने कांग्रेस पार्टी तो, क्योंकि है ही नहीं। इस करके ये जिहड़ा तुहाडा वादा सी जां एक तरह दा तुसीं एफीडेविट दे विच लिखिया सी, ये सारियां गल्लां हुण झूठियां साबित हुंदियां हुईयां नज़र आ रही। तो एक गल होर, इस तों इलावा
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਟਰ ਜੈਟ ਪਲੇਨ ਜਿਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਆਸਕਡ ਫੋਰ 13 ਪੈਸੇਂਜਰ ਜੈਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਇਹ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਚੈਕਰ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆ 13 ਸੀਟਰ ਦਾ ਉਹਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। 956 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਸਟੇਟ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਿੜਾ ਤਰਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਣਾ। ਬਾਏ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲੋਸ। ਆਖਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ PS ਨਰਸਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਲਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ FIR ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ, 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੈਡਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹੀ ਰੈਸਲਰਸ, ਇਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ FIR, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ FIR ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋ, ਲੰਡਨ ਟੌਪ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, India 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਨ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
एक ओवरसाइट कमेटी तुसी बनाती और उस तो बाद तुसी चुप हो गए। अज तक उस ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट जिहड़ी जनवरी के महीने दे विच स्थापित की गई सी हजे तक उसकी रिपोर्ट जनतक नहीं की गई और उस तो बाद तुसी खिलाड़ियों के नाल बहिंदे भी नहीं, उन्होंने नाल गलबात नहीं की। अज अनुराग ठाकुर एक स्टेटमेंट के कहते हैं, कहते मैं 12 घंटे बिताए नाल दे नाल, जिस तरह बजरंग पूनिया का बयान आ गया रैसलर ने, वह कहते इन्होंने तो सारे साढ़े नाल 2-3 मिनट ही बैठे ने, सानू तो समा भी नहीं दिता। विनेश फोगाट नू पूरी स्पोर्ट्स की फ्रटैनिटी नाल जिन्ने खिडारी ने वक्रियां वक्रियां खेडां तो उन्होंने अपील करनी पई, फिल्म स्टार्स नू अपील करनी पई, कहिंदे घट्टो घट साडी स्पोर्ट्स दे विच आ जाओ। देखो जो पीटी उषा का बयान आ गया वह तो आप गल कर ली, वाकया बहुत मंदभागा। पीटी उषा जिहड़े खुद खिलाड़ी रहे ने उन्होंने खिलाड़ियों दी घट्टो घट भावनावां तो समझनियां चाहीदियां। उस तो बाद जिहड़ी ओवरसाइट कमेटी सी MC मैरीकॉम बॉक्सर ने, उन्होंने भी फिल्म बनी सी और भारत के मन्ने परमन्ने बॉक्सर ने, बहुत सारे कुड़ियों को प्रभावित करते हैं, उन्होंने प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, वह भी चुप आ। लेकिन चंगी गल ये कि सानिया मिर्जा वर्गे टैनिस प्लेयर घट्टो घट वह बोले ने। नीरज चोपड़ा जैवलियन थ्रोअर ने टोकियो दे विच उन्होंने गोल्ड मैडल जितया सी टोकियो ओलंपिक्स दे विच, वह भी बोले ने। इस तरह घट्टो घट हुण नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर ने सबका, वह बोले ने। कपिल देव ओ लेजेंडरी क्रिकेटर जिन्होंने 1983 दे विच भारत नूं पहली बारी वर्ल्ड कप जिताया, जितना सिखाया, वह बोले ने। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने खुद गोल्ड मैडल जितया सी, वह बोले ने। घट्टो घट ये लोग बोले तो सही ना। इस तरह जो तुसी देखो जो बाकी मुल्क होंगे ने, खास तौर पर मैं तुम्हें अमेरिका की एग्जाम्पल देना चाहूँगा, उत्थे अक्सर उत्थों दी फिल्म परसनैलिटीज़ या जिहड़ियां सैलीब्रिटीज़ होंदियां वह बोलदियां ने, तो बोलना तो चाहिए जो किसी के नाल धक्का हो रहा हो। आखिरकार रैसलर मंग की रहे सी, वह यही तो मंग रहे सी ना कि सानू इंसाफ दो, इनकुआरी कराओ, FIR होएगी। इस तो बाद भी दिल्ली पुलिस का इम्तिहान आ। और तुहानू मैं इत्थे एक इह भी दसदा, DY चंद्रचूड़ ने यह गल कही है, कहिंदे इस ते मैं खुद नज़र रखूँगा, अगले हफ्ते तक मैं इसकी रिपोर्ट लूँगा, देखते हैं कि FIR दर्ज करन तो बाद तुसी की कदम उठाने हो, किस तरह के स्टैप्स लैने हो, इस मामले दे विच किस तरह अगे वधदे हो। कहण दा भाव आ कि शायद उन्होंने यह भी लग रहा होवे कि हुण भारत भूषण शरण सिंह की किसी तरह की गिरफ्तारी होएगी। दरअसल ये बाहुबली नेता ने उत्तर प्रदेश के ने, और आपां नूं सारयां नूं पता एक खास ठाकुर कम्यूनिटी तो आउंदे ने, और इन्हां दा उत्थे सियासी प्रभाव बहुत आ। और पोलिटिकल पार्टीज खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी शायद इस गल तो डर जाती है। तुसी याद करो अजय मिश्रा टैनी भारत के गृह राज मंत्री ने, उन्हों का मुंडा आशीष मिश्रा, जिसने सन 2021 3 अक्तूबर में लखीमपुर खीरी के कथित तौर पर गड्डियां चढ़ाती सी, अजकल वो बेलते आ। किन्नी बारी उन्होंने कहा गया, किसान जथेबंदी ने कहा कि अपना अस्तीफा दे दो, अस्तीफा नहीं दिता। हुण देखते हैं कि की सुप्रीम कोर्ट के होने वाले दिल्ली पुलिस काम करेगी या कोई भी पुलिस काम करेगी। ये अपने आप दे विच बहुत वड्डे सवाल पैदा होंदे ने, क्योंकि तुसी इंस्टीट्यूट्स नू फेल कर रहे हो। करनाटक की चोण दे विच भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, तो होर भी कई पार्टियां की सिर धड़ की बाजी लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नू लगता कि जे असी करनाटक की चोण जित जाने तो जिहड़ियां आने वाली चोणां ने, चाहे वह मध्य प्रदेश की आ, छत्तीसगढ़ की आ, तेलंगाना की आ, ये चोणां साडे लई सौखियां इस करके हो जाणगियां क्योंकि साडा टैंपो बन जाएगा, वील बी ऑन द रोल। पर इस तरह हो नहीं रहा, क्योंकि करनाटक दे विच काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा। सब तो वड्डी गल आ कि उत्थे इन्हां ते करप्शन दे इल्जाम लग रहे ने, और भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी उत्थे 5 सालों तो काबिज़ आ, उन्हां ते इल्जाम ये लग रहे ने कि 40% दी सरकार आ, 40% करप्शन लैंदी आ, पैसे लैंदी आ, करप्शन करदी आ। हुण तुसीं देखो ये कल्ला यही इल्जाम नहीं, पिछले दिनों दे विच 25 अप्रैल नूं अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सैकेंड मोस्ट पावरफुल मैन इन इंडिया, जे तुसीं कह सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बाद, एक भाषण दे रहे सी ते उत्थे इन्होंने ये गल कहती, कहिंदे जे तुसीं कांग्रेस पार्टी नूं वोटां पातियां तां इत्थे दंगे हो जाणगे, कांग्रेस पार्टी तो संभाली नहीं जानी, इत्थे करप्शन होजूगी, दंगे हो जाणगे। इस नूं लैके कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज़ होगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला, वैसे वो हरियाणा तो आते हैं,
ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਦੇਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਧਾਰਾ 153A ਅਤੇ 505 ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਮਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪਰ ਕੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਏਗੀ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦਿਓ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਆ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੇਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਪਾਏ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ